शेयर बाजार में कई ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिन पर निवेशकों की नजर रहती है, लेकिन बैंक एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे पहले रडार पर रहता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछले 5 दिनों में इस इंडेक्स में 1.5% से ज्यादा का उछाल देखा गया है। ऐसे में इस हफ्ते ब्रोकरेज की रिपोर्ट में हमने आपके लिए 5 ऐसे बैंक स्टॉक्स निकाले हैं जिन पर ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस बुलिश दिखाई दे रहे हैं। तो कौन से हैं वो स्टॉक्स, आइए जानते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस हफ्ते की ब्रोकरेज रिपोर्ट। इस हफ्ते ब्रोकरेज रिपोर्ट का पहला स्टॉक है ICICI बैंक। प्राइवेट सेक्टर के दमदार बैंक शेयर पर कई ब्रोकरेज हाउस बुलिश दिखाई दे रहे हैं। CLSA ने यहां पर खरीदारी की राय दी है और 1040 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। वहीं बात करें बैंक ऑफ अमेरिका की तो बैंक ऑफ अमेरिका ने भी यहां खरीदारी की राय दी है और 1000 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स भी यहां पर खरीदारी की राय दे रहे हैं और 980 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। अंत में जेफरीज ने 1080 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ इस शेयर में खरीदारी की सलाह दी है। इस हफ्ते की ब्रोकरेज रिपोर्ट का दूसरा स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक पर गोल्डमैन सैक्स और जेफरीज ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस अलग अलग दिया है। बात करें गोल्डमैन सैक्स की तो गोल्डमैन सैक्स ने यहां पर 2188 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, वहीं जेफरीज ने यहां पर 2470 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है और खरीदारी की सलाह दी है। इस हफ्ते की ब्रोकरेज रिपोर्ट का तीसरा स्टॉक है बंधन बैंक, जिसे आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। यहां पर गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की सलाह दी है और 396 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। इसके अलावा नोमुरा ने भी यहां खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और 425 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। वहीं बात करें जेपी मॉर्गन की तो जेपी मॉर्गन ने यहां ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और 375 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। अगला स्टॉक जिस पर आप दांव लगा सकते हैं वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पर गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय दी है और 916 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। इसके अलावा CLSA ने भी यहां खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और 975 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। वहीं जेफरीज ने शेयर पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और 1010 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। इस हफ्ते की ब्रोकरेज रिपोर्ट का आखिरी स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक पर ब्रोकरेज कंपनी CLSA ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और 1200 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज कंपनी की माने तो बैंक के ग्रोथ आउटलुक में सुधार देखने को मिल रहा है। तो ये रहे इस हफ्ते के दमदार और सॉलिड स्टॉक्स जिन्होंने इस हफ्ते ब्रोकरेज की रिपोर्ट में अपनी जगह बनाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई ब्रोकरेज रिपोर्ट और नए स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय योर वीकेंड्स।